एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर तीन काम करता है, आपको तीन टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। पहला, ये किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकता है। तो मान लो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये निकाल देगा, अभी मैं निकाल के भी दिखाया। दूसरा काम ये करता है, अगर आप मेरे को दो सेल्स देते हो, सेल दो किस्म के सेल देते हो या दो टाइप के सेल देते हो, लेकिन इसमें लिखा नहीं हुआ कितने ईएमएफ का है, 10 वोल्ट 15 वोल्ट पता नहीं, एक और सेल देते हो, इसकी ईएमएफ E1 है, इसकी E2 है, तो ये पोटेंशियोमीटर आपको इन दोनों ईएमएफ की रेशियो बता देगा, E1:E2 क्या रेशियो में है, बिना इसकी ईएमएफ को जानने ये आपको ईएमएफ की रेशियो बता देगा। तीसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर अगर यहाँ कनेक्ट करें, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स की रेजिस्टेंस निकाल देता है, जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकता है पोटेंशियोमीटर। तो तीन काम करता है, पहला पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का मेजर करता है, दूसरा सेल की ईएमएफ कंपेयर करता है, और तीसरा सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालता है, तीनों करके देखते हैं। तो पहला टॉपिक है कि अगर आपको ये कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियोमीटर की वायर को यहाँ कनेक्ट किया, इसको बैलेंस किया, बैलेंस करने से यहाँ करंट जीरो हुआ, इसकी रेजिस्टेंस वायर की स्मॉल आर और लेंथ एल है, यहाँ का करंट यहीं घूम गया E/RH+R, बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल, तो लगा लिया ओम्स लॉ, आई की वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास और रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल मैंने निकालनी सिखा दी कि अगर ये लेंथ कैपिटल एल है तो रेजिस्टेंस आर है, 1 है तो आर बाई एल है, और अगर स्मॉल एल है तो आर बाई एल इंटू स्मॉल एल है, यहाँ पे पुट करके आंसर आ गया। ये हमने ऑलरेडी कर लिया।